हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स अंडर सीआरपीसी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, कौन उसे अरेस्ट करता है, किसके पास पावर है उसको अरेस्ट करने की, कैसे अरेस्ट करना है, प्रोसीजर क्या क्या है, और जो अरेस्ट हुआ है पर्सन उसके राइट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका सेक्शन 41 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग इसकी 41 से स्टार्टिंग होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आफ्टर सब्सक्रिप्शन हम स्टार्ट करते हैं अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है। व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है, वारंट विदाउट वारंट, ये दो चीज़ें हैं। वारंट की जरूरत जब होती है जब ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल है, ठीक है, और अगर ऑफेंस कोग्निजेबल है, ठीक है, जो सेक्शन 2C में डिफाइन है, तो पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है, तो कोग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं 41 सेक्शन कहता क्या है। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन ऑफेंस इज कोग्निजेबल, पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, जब ऑफेंस कोग्निजेबल हो। कोग्निजेबल मतलब जिसमें कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं होती या ऑर्डर की जरूरत नहीं होती कोर्ट के कि इस पर्सन को आप अरेस्ट कर लीजिए, विदाउट ऑर्डर वो अपनी मर्जी से उसे अरेस्ट कर सकता है कोग्निजेबल ऑफेंस में। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ ऑफेंस इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, या फिर जो ऑफेंस हुआ है वो पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हुआ है, तब वो उसे अरेस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट, कंप्लेंट इस केम रिगार्डिंग दी कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, कोई भी कंप्लेंट आई है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आई है, कोई रीजनेबल सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है या 7 साल तक है और वो ऑफेंस कोग्निजेबल है, तब उस कंडीशन में जो सेक्शन 41 क्लोज बी सब क्लोज 2 में कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के बाद वो उसे अरेस्ट कर सकता है। अगर उन कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई भी नेसेसरी पॉइंट वो फुलफिल हो रहा है 41 क्लोज बी सब क्लोज 2 में वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है जिसमें कोग्निजेबल ऑफेंस में 7 साल से कम की पनिशमेंट्स हैं। उसके बाद आगे है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ जाती है या रीजनेबल सस्पिशियस आ जाती है कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, या फिर रिलीज कन्विक्ट ब्रेक द रूल, कोई भी कन्विक्ट है वो रिलीज हुआ है तो वो ब्रेक कर देता है रूल को, तो उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी है 41 में, सेक्शन 41 में, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही था हमारा सेक्शन 41 के अंदर। उसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन 41A, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। आजकल फॉर एग्जाम्पल इस केस को हम रिलेट कर देते हैं सेक्शन 498A, जैसे डोबरी केसेस से रिलेट कर रहे हैं वो क्रुएल्टी बाय दी हस्बैंड वगैरह, क्रुएल्टी बाय दी मीन्स जैसे इन लॉज के थ्रू होती है वो 498A लगता है उसके अंदर, वो उस सेक्शन, ये वाला सेक्शन अब बहुत सारा अट्रैक्ट हो रहा है 498A के साथ, क्योंकि आजकल जो अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा था कि पहले नोटिस देना, अगर रीजनेबल ग्राउंड है तभी उसे अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, और तभी उसे जुडिशियल कस्टडी में सेंड किया जाएगा। उसके बाद ये वाला सेक्शंस काफ़ी अब चर्चा में रह रहा है। सब देखते हैं इसके अंदर है क्या। व्हेन अरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 41 क्लोज ए, जो अभी हमने पढ़ा है 41 क्लोज ए फर्स्ट में, ठीक है, अगर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो उस पर्सन को हम नोटिस देंगे कि आपके खिलाफ एक कोग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास, और उसे डायरेक्ट करेंगे कि हमारे सामने आप प्रेजेंट होए, पुलिस ऑफिसर उसे नोटिस देगी। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, पर्सन इज़ नॉट अरेस्ट अनलेस रीज़न इज़ रिकॉर्डेड, कि जो वो पर्सन है जिसको हमने नोटिस दिया है उसे हम बुलाने के बाद अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड ना हो, या फिर वो रीज़न जो हम है हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड का उसे हमने रिकॉर्ड ना किया हो, तब तक उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हम। या फिर नॉट कंप्लाई विद द कंडीशन, हमने कंडीशन के साथ नोटिस के साथ उसको छोड़ दिया है नोटिस आने के बाद, या फिर वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसे ऑर्डर करेगा अरेस्ट होने का, तभी हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं सेक्शन 41A में। उसके बाद 41B, ये सारे अमेंडेड सेक्शंस हैं हमारे 41A B, ठीक है। प्रोसीजर एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, 41B में क्या है कि प्रोसीजर और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं जो अरेस्ट को डालेंगे। सबसे पहले हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि यही पर्सन एक्यूज्ड है, इसी के खिलाफ कोग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है।
या फिर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में इसके खिलाफ ऑर्डर आया या वारंट आया है। सेकेंड पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच अटेस्टेड बाय वन विटनेस। ठीक है, हम मेमोरेंडम बनाएंगे अरेस्ट करने के बाद उसे कि इस पर्सन को हमने अरेस्ट किया, और साइन कराएंगे एक विटनेस से। वो विटनेस कौन होगा? जिसको हमने अरेस्ट किया है उसकी फैमिली मेम्बर का होएगा वन पर्सन, या फिर रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी होएगा, उससे साइन करवाएंगे हम। और अरेस्टेड पर्सन से भी अंडर साइन कराएंगे, काउंटर साइन वो भी करेगा कि मैं अरेस्ट हुआ हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है? इन्फॉर्म द अरेस्टेड ही हैज़ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव। अगर कोई भी रिलेटिव प्रेजेंट नहीं है, किसी के भी साइन नहीं हुए हैं वहाँ पे, फैमिली मेम्बर नहीं है या रिस्पेक्टेड मेम्बर ऑफ द सोसाइटी नहीं है, तो इन्फॉर्म करेंगे अरेस्टेड पर्सन को कि आपका राइट है कि आप अपने किसी रिलेटिव को बुला सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम अगला सेक्शन देखते हैं, 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। ये सेक्शन हमारा नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस से डील करता है। अगर कोई भी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंट में, ठीक है, तो और पुलिस ऑफिसर उसका नाम और एड्रेस वगैरह पूछ रहा है, और वो पर्सन क्या करता है, उसे रिफ्यूज़ कर देता है देने से अपना नाम और रेजिडेंस वगैरह, या फिर गलत देता है उसको अपना नाम और एड्रेस या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उससे मांग रहा है पुलिस ऑफिसर, देन पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू अरेस्ट दैट पर्सन। तो तब उसके पास, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है उस पर्सन को अरेस्ट करने की। उसके बाद हमारा सेक्शन है 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर, कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है और उसका प्रोसीजर क्या क्या है अरेस्ट करने का जो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा। कोई भी पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है जिस जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जिसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है और नॉन बोलेबल ऑफेंस किया है, और अरेस्ट करने के बाद या तो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या उसे नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा या पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करेगा तो उसे री अरेस्ट माना जाएगा, ना कि अरेस्ट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? अगर ऑफेंस जिस पर्सन को प्राइवेट पर्सन ने पकड़ा है, ऑफेंस नॉन कोग्निजेबल निकलता है, तो पुलिस ऑफिसर उसे नाम वगैरह एड्रेस उसका रिकॉर्ड करेगा, उसका एड्रेस रिकॉर्ड करेगा, उसे इन्फॉर्मेशन लेगा, या फिर उसके बाद वो जैसे सेक्शन 42 में था कि वो रिफ्यूज़ कर देता है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है तो उसे दोबारा री अरेस्ट करने की। ठीक है, तो ये थे प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है और उसका प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हमारा सेक्शन है 44, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है जो ट्रायल चलाता है, जिसके सामने प्रोड्यूस किया जाता है कि उसको अरेस्टेड पर्सन को, वो भी अरेस्ट कर सकता है, उसके पास भी पावर है अरेस्ट करने की। किन केसेस में? जब उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो रहा है उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में। सबसे मेन पॉइंट है उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन। लोकल ज्यूरिडिक्शन को हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? लोकल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि जहाँ पे उसकी सीटिंग है, जहाँ पे उसको वो पुलिस स्टेशन अलॉट किया गया है, वो लोकल ज्यूरिडिक्शन मानी जाएगी। अगर उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन के अलावा वो ऑफेंस हुआ है तो वो एक प्राइवेट पर्सन की तरह, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करेगा वहाँ पे, ना कि एक मजिस्ट्रेट की तरह ट्रीट करेगा। तो उसकी प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो वो किसी पर्सन को डायरेक्ट करेगा अरेस्ट करने का, या फिर उसे खुद अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने के बाद अगर वो उसका ट्रायल भी चला सकता है, अगर वो कॉम्पिटेंट है ट्रायल चलाने का वहाँ पे, तो इस वजह से। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है, सेक्शंस बहुत सारे हैं इस टॉपिक के अंदर, जैसे 50 हो गया, 50A हो गया, 57 हो गया, 41D हो गया, 53 हो गया, ये सारे राइट ऑफ अरेस्टेड पर्संस में आ जाते हैं। अब राइट ऑफ अरेस्टेड पर्संस देख लेते हैं हम क्या क्या है, कि एक अरेस्ट हुए पर्सन के क्या क्या राइट हैं। बेसिक लैंग्वेज में ये बहुत यूज़फुल है कॉमन पर्संस के लिए जो लॉ फील्ड से ना नहीं भी है। सबसे पहला पॉइंट है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस। जो पुलिस ऑफिसर है जो उसे अरेस्ट करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो उसे इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इस चार्ज के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर आपको अरेस्ट किया गया है, इस चीज़ के कारण आपको अरेस्ट किया गया है। ये चीज़ डिफाइन है सेक्शन 50 और 50A के अंदर। सेकंड राइट उसका क्या है? ब्रोट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जैसे कि आज उस पर्सन को अरेस्ट किया है तो आज से लेके 24 आवर्स तक उसे 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, वेदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, प्रेजेंट जरूर करना है कोई भी नेसेसरी सर्कमस्टांसिस है। पर इस चीज़ में जर्नी का टाइम को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जर्नी हुई है तो उसे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं 24 आवर्स में, उससे ज़्यादा ले सकते हैं, और ये सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग ही है। उससे अगला है हमारा कि बेल, राइट टू गेट बेल। सबसे इम्पोर्टेंट राइट ही ये है कि उस पर्सन का राइट
अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसे बेल लेने का राइट है, ठीक है। और अगर वो फर्निश कर रहा है बेल बॉन्ड को, सिक्योरिटी प्लस श्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब बेल बॉन्ड और श्योरिटी की कोई पर्सन है, श्योरिटी लिविंग पर्सन ये दे रहा है कि हाँ मैं इसकी श्योरिटी ले रहा हूँ कि ये डेली जो उसकी डेट आएंगी, जो उसकी डेट्स मिलेंगी इस कोर्ट से, उन पे वो प्रेजेंट रहेगा, ये श्योरिटी उसको देता है, तो उसे बेल पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की कि उसको इन्फॉर्म करना कि आपका ऑफेंस बेलेबल है और आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट करके बेल ले सकते हैं, और किसी पर्सन कैपेबल नहीं है सिक्योरिटी और श्योरिटी देने से, ठीक है। तो आफ्टर दी इंक्वायरी मजिस्ट्रेट उसे बेल दे सकता है, इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट उसे अपनी तरफ से बेल दे सकता है। उसके बाद हमारा सेक्शन है अगला, ओनली नेसेसरी रिस्ट्रेंट, जो डिफाइन करता है ओनली नेसेसरी रिस्ट्रेंट की उसे नेसेसरी रिस्ट्रेंट ही हम कर सकते हैं। जैसे अभी केस आया था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कि उसे हैंडकफ करके ले जाया गया था, उसमें जजमेंट आई की थी कि अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते हम, सिर्फ नेसेसरी रिस्ट्रेंट ही कर सकते हैं। ये भी सेक्शन 49 ऑफ द CRPC में डिफाइन है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे ज़रूरत नहीं है कि बेड़ियों में जकड़ के लाने की या बुरी तरीके से रस्सियों में बांध के लाने की, नहीं, सिर्फ नेसेसरी रिस्ट्रेंट ही काफ़ी है। उसके बाद आ जाता है टू इन्फॉर्म फैमिली, सेक्शन 50A में है ये कि उसकी जो अरेस्ट हुआ है उसकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना, पुलिस इन्फॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेगी कि आपका ये जो पर्सन है ये आपका रिलेटिव है, ये अरेस्ट हो चुका है इस ऑफेंस के अंदर। उसके बाद हमारा अगला है 41D में है एडवोकेट ऑफ ओन च्वाइस कि अपनी मर्जी का वो एडवोकेट चुन सकता है और उसे मीट कर सकता है अरेस्टेड पर्सन का, ये राइट है जिसे बहुत ही वॉयलेट हो रहा है ये राइट की उसे बताया नहीं जाता कि आपके राइट्स यही है। पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के बाद विदाउट एडवोकेट से मिले डिस्क्लोजर रिपोर्ट पे साइन करवा लेते हैं। उसके बाद अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से आने से पहले मैं ये बताऊंगा कि डिस्क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है। डिस्क्लोजर रिपोर्ट वो होती है कि जो भी अरेस्ट हुआ है पर्सन उस पर लिखवाते हैं कि मैंने ये काम किया है, ये चीज़ लिखी है, उससे कबूलनामा लिखवाते हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन लिखवाते हैं मारपीट करके, ठीक है। उससे मिलने से पहले उसका राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, लेकिन उसे रिस्ट्रेन करके रखा जाता है कि ताकि वो मिल ना पाए और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ना कर पाए। उससे अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये एक्यूज का राइट है सून आफ्टर दी अरेस्ट, अरेस्ट के एकदम बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ये सेक्शन 53A 54 में है, ये अलग अलग पॉइंट है कि रेप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे होएगा, प्रोसीजर डिफाइन है उस चीज़ में। तो ये थे राइट्स। उसके बाद हमारा अगला क्या है, सेक्शन 46 है हाउ अरेस्ट इज मेड, कि अरेस्ट मेड कैसे होएगा। सबसे पहला तो वही है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है और प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, लेकिन करेगा कैसे, या तो उसे रोक के पकड़ के कर सकता है बाय टच करने के बाद कर सकता है, या फिर वो पर्सन खुद ही सरेंडर कर दे, सबमिशन कर दे कस्टडी की, सबमिशन टू कस्टडी कर दे कि मैं सरेंडर हो रहा हूँ। और एक पॉइंट है फीमेल के रिगार्डिंग कि फीमेल को कौन अरेस्ट करेगा, फीमेल को सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, और मेल अगर उसे अरेस्ट करेगा तो सिर्फ वो ओरल इंटिमिडेशन करके ही अरेस्ट करेगा और बाय वर्ड से उसे अरेस्ट करेगा, बोलेगा मुंह से अपने, बाय टच उसे और कन्फाई करके, कन्फाइन नहीं करेगा, उसकी कन्फाइनमेंट नहीं करेगा। और पावर टू अरेस्ट बाय डूइंग एवरीथिंग नेसेसरी, अगर कोई भी पर्सन है रिस्ट्रेंट कर रहा है अरेस्ट होने में, नहीं मैं नहीं अरेस्ट होता, अपनी रीजनेबल फोर्स यूज़ कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर है कि डू एवरीथिंग नेसेसरी, कुछ भी नेसेसरी, द पॉइंट इज नेसेसरी, जितना ज़रूरी है सिर्फ ज़रूरी है, उसको एक्सटेंड नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उसको यूज़ करके, उस फोर्स को यूज़ करके उसे वो अरेस्ट कर सकता है। अगला है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के रिलेटिंग है, जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, सेक्शन 100 ऑफ द IPC में डिफाइन है, ठीक है। ये भी उसी से डील करता है कि प्राइवेट पब्लिक जो सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ कब तक है, कि कोई पर्सन की अरेस्ट होने वाला है, वो पुलिस ऑफिसर पे फायर कर रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है, तब उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ तभी है जब वो ऑफेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट का हो या फिर कैपिटल ऑफेंस का हो, ठीक है, कैपिटल ऑफेंस मतलब डेथ का हो, वो दो टाइप के ऑफेंस है, तभी वो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ है। वैसे तो प्राइवेट डिफेंस
अपने आप को बचाने के लिए सर्टेन कंडीशंस डिफाइन है सेक्शन 100 में कि ग्रीवियस हर्ट ना हो, डेथ ना हो, ये वाली ना हो, अननेचुरल लस्ट, रेप वगैरह के लिए, कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए डिफाइन है ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट और कैपिटल ऑफेंस में ही वो उसका राइट एक्सटेंड करता है कॉजिंग डेथ का। और अगला, वुमेन इज नॉट अरेस्टेड बिफोर और आफ्टर दी सनराइज और सनसेट, की शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अरेस्ट को मेड करने का सेक्शन 46 में क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था अरेस्ट की, अरेस्ट को कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन क्या क्या है, प्राइवेट पर्सन कैसे अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कैसे अरेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो इस नेगेटिव कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे इम्प्रूव कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।